lume și far e si bate. Mela rucava de asman ci pe raste. Val, val, dum n-am se hamejante. Val, val, dum n-am se hamejante. आणि खूप क्रूर है वो दुनिया, खूप क्रूर है, करते काफी छोटे एज से बहुत ज्यादा मोलेस्टेशन हरासमेंट बहुत फेस किया है. एवरी डे अ वुमन इज गोइंग थ्रू इट मैन, ईच एंड एवरी डे समबडी इज गोइंग थ्रू इट. व्हाई डू वी कीप आवरसेल्फ क्लोज्ड अप? काय क्रूरता, आम्ही असं काय बिघडलंय? क्यों ऐसा बोला जाता है कि औरतों को गुस्सा नहीं होना चाहिए, या फिर जैसा मैं मुंह पर हूँ वैसा नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं हूँ मैं, जरूरत है इधर. हिप-हॉप एक्चुअली बहुत वेस्टर्न वर्ल्ड से आया हुआ है, अमेरिका से आया हुआ है. उनका एक स्पीकिंग स्टाइल, एक आइडेंटिटी है. वैसा हम लोग सोचे थे कि हमारा आइडेंटिटी क्या है, हम बस नॉर्मली ऐसे साड़ी में पहन के रैप करे थे. कॉन्ट्रास्ट, ये कॉन्ट्रास्ट कभी फिट ही नहीं होता है. हम गांव की औरतों को रिप्रेजेंट करते हैं उस चक्कर में, हम हाउसवाइफ्स को रिप्रेजेंट करते हैं उस चक्कर में, हम छोटी बच्चियां हैं जिनको फैंटेसी है साड़ी बनेगा उनको रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमारा जो स्पेक्ट्रम ऑफ आइडेंटिटी रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ जाता है. जवाबदारी, सामाजिक समझदारी, बेहतरीन कारीगरी, न बातें बकवास, ज्ञान असली एहसास, शब्द जैसे नींबू का अचार, रैप जैसे दाल भात, रोज का आहार, सेना जानोगे कब चलेगा खाना. इस देश में औरत का पैदा होना ही एक रेवोल्यूशन है. इतना रेप कल्चर है, इतना इनजस्टिस है कि हमें तो क्रांति के बिना जी नहीं सकते हम. தம்பிக்கை படும் எல்லா பாவம் இங்கே, உன்னோட வெற்றி நண்பன் குடுக்கற சாபம் இங்கே. ஏய் வழி விடு வரோ பாரு வெறியோ. एकदम हद्दीत राव, कमी बोलाव, चांगले कपडे घालावे आणि काय सगळ्यांचा आदर करावा, हेच सगळ्या अपेक्षा असतील मुलींकडून मला आई गेस असं वाटतंय. हो, माझ्याकडनं देखील अशाच काही अपेक्षा आहेत, म्हणजे लिस्ट लॉंग आहे. समाज दिन बुद्धि आकाश गहरा खते किंद क्रू शास्त्रवा बेरे मातिला निर्भिता निन्ने पेट्रियार्की दिन बचपन से वो चीज बहुत अंदर रह गई. इतना जितनी चीजें चली है सब, मोलेस्टेशन एंड ऑल, वो बाहर निकालने का मौका ही नहीं मिला कि कहाँ किससे बात करूँ, किससे शेयर करूँ, कौन ही हेल्प करेगा, क्योंकि जो चीजें हुई वो तो पीछे चली गई है. और जो मैं फेस की हूँ, जो मेरे अंदर है, वो मैं नहीं बता सकती किसी को. बट जब ब्रेकिंग मैंने स्टार्ट किया और मैं बी बॉयज से बैटल करने लगी, तो मैं बहुत सीरियसली लेती थी बी बॉयज को कि मुझे इनको बीट करना है. अब मैं पीछे जाके उनको तो नहीं तोड़ सकती. When guys are talking about girls in the rap, it's a different emotion. They see it and they do it. But when a girl is talking about a girl in a rap, it's she's feeling it and she's giving a message from herself in behalf of other girls.